हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मटेरियल यूआई इन रिएक्ट जेएस। मटेरियल यूआई एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस की, सेम एज बूटस्ट्रैप। जैसे बूटस्ट्रैप में सब कुछ बनाया बनाया होता है, आपने कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट बस सब कुछ बना बनाया है। सीएसएस सारी इसमें ऐड होती है, आपको कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट करेंगे आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट बन जाएगी। तो इस लाइब्रेरी को हम रिएक्ट जेएस में यूज कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे होती है इसकी, ये सब हम सीखने वाले हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे हम कोई प्रोजेक्ट इस पे क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसको इंस्टॉल करके छोटा सा बेसिक कोड इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने से पहले आपने एक अलग से ही नया फोल्डर बना लेना है ताकि आपका पूरा प्रोजेक्ट इसी के अंदर रहे। तो मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है रिएक्ट जेएस में। सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं, जहाँ पे आपने आके सर्च करना है मटेरियल यूआई। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे रिएक्ट जेएस में। चलिए यहाँ से फर्स्ट वाला जो लिंक है इसी को हम कॉपी यहाँ से ओपन कर लेंगे। सारे का सारा कोड आपको यहाँ से ही मिलेगा, सेम एज बूटस्ट्रैप। उनकी एक अलग से वेबसाइट है, पूरा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ से मिल जाना है कोड। तो गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना आना चाहिए आपको, तभी यह वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन पे चले जाना है, इस पर क्लिक करो। तो सबसे पहले ये वाली कमांड है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आपने आ जाना है यहाँ पर बीएस कोड में। तो इसको हम टर्मिनल ओपन करके जस्ट इसमें पेस्ट कर देंगे। अब जहाँ पे आपने छोटा सा एक स्टेप फॉलो करना है, अगर आपके पास ये कोई कमांड वर्क नहीं कर रही, जहाँ आप इंस्टॉल कर रहे हैं डिपेंडेंसी से इंस्टॉल नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, सीडी आपने सो फोल्डर का नाम जहाँ पे लिखना है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो मैंने क्रिएट किया हुआ है माई ऐप नाम का है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी सीडी माई ऐप, इधर लिखो, यहाँ पे लिखना है माई ऐप, इसको एंटर करेंगे। अब जहाँ पे आप डायरेक्ट हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ इस माई ऐप वाले फोल्डर में मैंने सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। तो अब जहाँ पे मैं कमांड वो वाली कॉपी पेस्ट करूंगी, जे सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होनी है आपके पैकेज में। तो वो कौन सा पैकेज होगा, पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा इंस्टॉल होने में। जब ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए, तो आपने चले जाना एक पैकेज पे, जहाँ से आपका जो फोल्डर है ना, इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन नाम का एक पेज है, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, बस यहाँ से ही पता चलेगा। इधर देखो, ये सारी के सारी डिपेंडेंसीज है, इसके अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर सारी के सारी हमारी लाइब्रेरी आ जानी है। तो फिलहाल इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बंद कर देते हैं, बाद में हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ इंस्टॉल हो चुका है, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। आपने जहाँ पे आ जाना है पैकेज डॉट जे वाले पैकेज डॉट डिजिशन वाले पेज पे आ जाना है। आपने इधर चेक करना, अगर आपके पास ये डिपेंडेंसीज आ गई देन आपके पास ये वर्क करेगा, नहीं तो आपके पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, इसको टेस्ट करना है कि क्या सच में इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज बोला है, आप इस वीडियो को जब मर्जी देखे, एक साल दो साल बाद। तो जहां पर आपने मेरी जो कमांड है इसको फॉलो नहीं करना, आपने जस्ट इनकी वेबसाइट पे आना है, ठीक है। यहाँ पर हर बार चेंजेस होती ही रहती हैं, वर्जन इसके चेंज होते रहते हैं, बस आपने इसको ही फॉलो करना है, इनकी वेबसाइट को। जे वाली कमांड बस आपने इसको कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब हम इसके यूजर्स पे चलते हैं, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। एक हम कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कॉपी करो, यहाँ पे आपने ऐप डॉट जे एस में जाके इसको पेस्ट कर देना है। इसको बंद कर देते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, हमने एक बटन क्रिएट किया है। तो यहां पर आपको दिखा देती हूँ, जे वाली आउटपुट आनी है, तो इस कोड की आउटपुट जे है। सब कुछ बना बनाया है, हमें एक बटन बना बनाया मिल जाएगा, सीएसएस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा लोड होने में। तो मेरे पास ये बटन आ चुका है, ठीक है, मतलब हमारे पास कंप्लीटली ये वर्क कर रही है। ऐसे ही आप इसको और टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करो, या फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारे के सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट लिखा हुआ है ना, इसके अंदर सब कुछ बना बनाया है। आपने यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, तो बटन्स पे चलते हैं, सारे के सारे बटन्स मिल जाने हैं। तो इसको आपने जस्ट कॉपी कर लेना है। जे वाले मेरे पास तीन बटन लगे हुए हैं, कॉपी करेंगे इसको, जहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। आप इसको ऐसे एंटर भी कर सकते हैं। तो जे वाला इसके बाद हम इसको कर देते हैं पेस्ट, जे वाला हटा देते हैं और इसमें इसकी फ्रेगमेंटेशन ऐड कर देते हैं। जहाँ से इसको कर दो बंद, इसको कर लो रिफ्रेश। अब हमारे पास तीन बटन आने हैं, मैं दिखा देती हूँ आउटपुट क्या रहेगी। तो हमने किया है जे वाला कोड कॉपी, तो जे तीन बटन लगने हैं हमारे पास, सेम ऐसी आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। जहाँ से हमने मटेरियल सही है, इसको ऐसे ही लगाएंगे
और हमने यहाँ पर रिटर्न लगाया है तो एक ब्रैकेट भी आएगी। इस ब्रैकेट को हम लास्ट में जाके बंद कर देते हैं, सेव करके जी आगे 3 बटन, ठीक है। रिटर्न में यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना, 3 बटन आगे, बिल्कुल हमारे पास कोड वर्क कर रहा है। तो आपके पास पहले तो लाइब्रेरी वर्क करनी चाहिए। जी जस्ट हम आज इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, बस सब कुछ यहाँ पे बना बनाया है। इस वीडियो का हमने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना ही सीखना था, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। इसके अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम जरूर क्रिएट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।